गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. नाउ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज फेस्टिवल इज अराउंड द कॉर्नर एंड अक्टूबर इज ऑल अबाउट दिस, यू नो, शॉपिंग, दिवाली, ये वो, पूजा, नवरात्र, इन्हीं में टाइम चला जाने वाला है. मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ बिकॉज लॉकडाउन फाइनली लिफ्ट हो रहा है एंड वी आर गेटिंग टू सेलिब्रेट दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल्स आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. सो नया मेकअप, नया लुक, मतलब मज़ा आ जाएगा. सो टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन विद मी, हर नेम इज रुदिका, वन ऑफ गुड फ्रेंड्स. हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने मेकओवर के लिए. सो बेसिकली बहुत टाइम से अपना लुक चेंज करना चाहती थी. राइट, यस, हमेशा सेम हेयर, सेम कलर, सेम एवरीथिंग, बोरिंग हो जाता है. राइट, फेस्टिवल में तो आप ट्राई करना ही चाहते हो कुछ भी नया. सो सिंस इट्स द फर्स्ट टाइम ना, आई डिडंट वांट एनीथिंग टू गो रॉन्ग विद हर एंड इसलिए मैं यूज करने वाली हूँ लॉरेल कास्टिंग क्रेम ग्लॉस ऑन आवर हेयर टू गिव हर दैट डिफरेंट लुक फेस्टिवल्स के लिए. इसमें बहुत सारे शेड्स हैं हर फेस्टिवल के लिए ना, मतलब होली, दिवाली, भूल जाओ, बहुत सारे शेड्स हैं तो आप ट्राई कर सकते हो. प्लस नो अमोनिया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सेफ भी है यूज़ करने के लिए. सो आर यू एक्साइटेड? भी है, ये ग्रेस द कवरेज भी बहुत बढ़िया देता है यार. बहुत सारे कलर्स भी हैं इसमें. यस यस यस. सो चलो, आर यू एक्साइटेड? मतलब ऑब्वियसली पूछने की जरूरत नहीं है. चलो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. एंड ऑल्सो ये भी कलर कर रहे हैं ना तो सारा एप्लीकेशन, सारी चीज़ें होंगी वीडियो में एंड रिजल्ट देखिए ना, आपके कलर को लेकर जितने भी डाउट्स हैं ना सारे जीरो हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे. एंड ऑल्सो मैंने जो कलर शेड लिया है वो है 300 डार्केस्ट ब्राउन, विच इज द क्लोजेस्ट मैच टू आवर हेयर. सो लेट्स सी, मज़ा आने वाला है. चलो स्टार्ट करते हैं. एक्साइटमेंट को थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं बिकॉज मूव ऑन करने से पहले हेयर कलर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, पैच टेस्ट करना, और उसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. सो बैक ऑफ ईयर पे आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन करना है एंड कोई भी डिस्कम्फर्ट वगैरह नहीं होता है उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको यूज़ करना. सो बेसिकली स्किप में यू विल हैव थ्री थिंग्स अलॉन्ग विद ग्लव्स, तो वो आपको पहन के ही आपको स्टार्ट करना है प्रोसेस, यू नो, सेफ साइड. एंड ऑल्सो यहाँ पे तीन चीज़ आपको मिलने वाली है, कलर एंड क्रेम, डेवलपर क्रीम एंड ऑल्सो दिस शाइन मास्क विद रॉयल जेली. नाउ व्हाट इट डज इज अल्टीमेट शाइनी और ग्लॉसी इफेक्ट ऐड करता है आपके बालों में एंड ड्राइनेस को बिल्कुल हटा देगा. सो एप्लीकेशन में मूव ऑन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कुछ भी मेटल इन्वॉल्व नहीं करना है, चाहे जो लगा रहा हो जैसे मैं या फिर जिन पे लग रहा हो उनको. सो बेसिकली मैंने अकॉर्डिंग टू अवर हेयर लेंथ कुछ इस तरीके से क्वांटिटी ली है 1:1.5 के रेशो में ऑफ कलर एंड डेवलपर क्रीम की. आप इस कलर को आगे के लिए इस तरीके से स्टोर भी कर सकते हो. सो नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एप्लीकेशन एंड उससे पहले मैं यूज करने वाली हूँ ये. सो बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप हेयरलाइन पे आप कलर लगाते हो और वो चढ़ जाता है, सो ऑब्वियसली यू डोंट वांट दैट. तो अगर ये लगाते हैं ना कुछ भी मॉइस्चराइजर या फिर कुछ भी ऐसा लुब्रिकेट तो वो इससे ईजिली निकल जाएगा हेयरलाइन पे. ओके, तुम चाहते हो कि हेयरलाइन पे कलर लग जाए? नो वे. ओके, सो सेक्शन में पार्ट कर लेना है बालों को एंड देन कलर का एप्लीकेशन स्टार्ट करना है. अगर आपकी ग्रे कवरेज आपको ज़्यादा चाहिए ना तो आप स्कैल्प पे ज़्यादा क्वांटिटी में कलर लगा सकते हो बिकॉज ये कलर इफेक्ट देने के साथ साथ ना ग्रेस को भी बहुत अच्छे से कवर करता है. एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, हाथों पर लेके एंड डायरेक्ट पूरी लेंथ पे इस तरीके से लगा लो. सो कलर लगाने के बाद में ना आपको उसको एज इट इज रखना है और शैम्पू नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस शाइन मास्क एंड देन वॉश इट ऑफ विद प्लेन वाटर. इट्स एज सिंपल. स्माइल सेज इट ऑल, यू नो, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे एंड इट्स लाइक मैंने जब पहले सोचा था इसको करने का बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, अरे कैसा होगा ये वो. मेरे हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, हेल्दी एंड शाइनी लग रहे हैं. लुक एट माय हेयर. या मतलब आई एम श्योर इट्स विजिबल ऑन कैमरा आल्सो. इट्स नॉट यू एनीली जस्ट इट. या आई एम लाइकिंग इट. Glad. Yes, exactly. First time color experience कैसा रहा? It was amazing. बहुत सारे shades हैं. हर season पे अपन add try करेंगे. Of course, I will try different shades and I'll try. At least Diwali के लिए तो यार sorted with this different color. Festive. She is now festive ready. What's it? मुझे बहुत अच्छा लगा. Thank you. आपने मुझे इस product के बारे में introduce करा है. Of course, I'll suggest my friends as well. ऐसा. मतलब damage free भी है और अच्छे result भी देता है. मतलब. Exactly. मेरा भी करने का मन कर रहा है. और गाइस आपने देखा कितना ज़्यादा इजी था ये प्रोसेस, है ना? यस, दिस फेस्टिव सीजन आई एम रेडी टू गेट ब्यूटी अनलीस्ड. सो यस टू लाइफ, यस टू कलर. वेल गाइस आपने देखा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन घर के कंफर्ट में, मतलब चार दीवारी में बैठ के इतने अमेजिंग लुक आप क्रिएट कर सकते हो फेस्टिव सीजन के लिए. शी इज तो रेडी एंड इसमें क्या आपको बहुत सारे कलर्स भी मिल जाएंगे. अमोनिया फ्री है, ग्रे कवरेज भी देता है एंड 13 शेड्स टू चूज फ्रॉम.
कौन सा ट्राई करोगे नेक्स्ट? लेट्स सी। आल्सो दिस पैक विल ओनली कॉस्ट 550 रुपीस फॉर दिस वन। सो इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आल्सो डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन खुद से रहने के, खुद से प्यार करिए और अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करते रहिए। फेस्टिविटी आ रही है, दिवाली वगैरह के लिए रेडी हुई है। कमेंट्स में बताइए कौन सा कलर आपका फेवरेट है। और ये भी याद रखिए, लव यू ऑल सो मच। बाय।